तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? फिर से स्वागत है हमारे चैनल कैरेक्टर बैट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज का थंबनेल देख रहे होंगे, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मजेदार हिमावरी और कजामा की लव स्टोरी, जिसका नाम है कुकिंग विद मी। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये स्टोरी हमें कैसे बताएगी ये, एंड चलो इस मजेदार वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें जो है कजामा दिखाया जाता है, वो कहता है वाओ मोहिपी का एक और मजेदार कलेक्शन आया है, और वो भी लिमिटेड। तभी कैसे आवाज आती है, हे हिमा इसमें से एक लो ना। कजामा कहता है ये आवाज तो। कजामा चुप कर देखता है तो वहां पर शिनचैन एंड हिमावरी रहते हैं। कजामा कहता है मुझे पता था। शिनचैन हिमावरी को कहता है मुझे ये चाहिए। हिमावरी कहती है तुम ऐसी चीजें खरीद कर आखिर करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ये तुम्हें खरीद कर नहीं दूंगी। हाँ तुम तो सच में मॉम की तरह कंजूस हो। कजामा कहता है अच्छा ये दोनों शॉपिंग के लिए आए है। कजामा मन में कहता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। सॉरी मोएपी, मैं तुम्हें बाद में खरीद दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मिलोगे। पीछे से हिमावरी एंड शिनचैन कजामा को देख लेते हैं, एंड शिनचैन कहता है अरे ये तो कजामा है। हिमावरी कहती है हाय कजामा। कजामा मन में कहता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। उसके बाद कजामा कहता है तुम्हारे मोम और डैड तो हॉलीडेज पे गए हैं ना। शिनचैन कहता है हाँ, इसीलिए हम दोनों को आज डिनर बनाना है। हिमावरी कहती है क्या तुम डिनर के लिए हमें ज्वाइन करना चाहोगे कजामा? कजामा मन में सोचता है क्या मतलब, मुझे हिमावरी के हाथ का खाना खाने मिलेगा। कजामा कहता है क्या यह ठीक रहेगा? शिनचैन कहता है वैसे ठीक तो नहीं रहेगा। और जैसे ही शिनचैन गाइस ये कहता है, हिमावरी उसे पिंच करती है। शिनचैन चिल्लाता है, हिमावरी कहती है चलो चलते हैं। शिनचैन कहता है मुझे मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा कजामा। पर कजामा कहता है यस चलो चलते हैं, मतलब ये तो पूरे उसके प्यार में ही रहता है। उसके बाद हिमावरी कहती है सब कुछ मैं ही बनाने वाली हूँ भाई, तुम इसमें इंटरफेयर मत करना। पर शिनचैन कहता है तुम सच में श्योर हो? स्टिल मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिमावरी कहती है ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, मैं तुम्हारे से अच्छा खाना बनाती हूँ। शिनचैन कहता है नहीं, मैं तुमसे बेस्ट कुक करता हूँ। कजामा मन में कहता है ये शिनचैन उसे क्यों तंग कर रहा है। तभी कजामा ड्रीम जैसा देखता है, एकदम से सपने में वो चला जाता है कि हिमावरी उसका वेलकम कर रही है। वेलकम बैक हनी, क्या तुम पहले खाना खाना चाहोगे या फिर नहाना चाहोगे? कजामा ये सोचते हुए पूरा शर्मा जाता है अपने ही में। तभी शिनचैन कहता है तुम ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? कजामा एकदम से कहीं चौंक जाता है और कहता है किधर कहा, मैं थोड़ी शर्मा रहा हूँ। तभी हिमावरी कहती है करी तैयार है। करी देखकर कजामा कहता है ये ऐसे क्यों दिख रही है। शिनचैन खाना का शुरू भी कर देता है और मस्त मजे से वो खाता है। कजामा कहता है आई थिंक शायद ये दिखने में ऐसी है पर टेस्ट में बेस्ट होंगी। पर गाइस वो और सोचता है कि आखिर शिनचैन तो सालों से उसका कुकिंग टेस्ट चख रहा है, मे बी उसे इसकी आदत हो गई हो। कजामा कहता है मैं हिमा का बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे उसका दिल रखने के लिए इसे खाना ही होगा। हिमावरी गाइस कजामा को बड़े क्यूट नजर से देखती है, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे। एंड गाइस हिम्मत करके बेचारा कजामा उसे खा लेता है। एंड गाइस सच में वो करी बहुत बेकार रहती है। कजामा का रिएक्शन आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब अजीब ही हो जाता है उसका पूरा। शिनचैन कहता है क्या तुमने खा भी लिया? कजामा कहता है खाने के लिए शुक्रिया, मैंने पहली बार ऐसा खाना खाया। हिमावरी कहती है सच में? तुम्हें बताया कजामा, ऐसा पहली बार है कि शिनचैन भैया एंड डैड के अलावा किसी ने भी मेरे हाथ का खाना नहीं खाया है, एंड अभी इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। कजामा मन में कहता है इसके लिए शायद मुझे ही खाना बनाना सीखना पड़ेगा। कजामा उसके प्यार में पड़कर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा इसे बनाना चाहिए हिमा। हिमावरी कहती है तुम्हारे लिए तो कभी भी मैं बना सकती हूँ। शिनचैन को गाइस पसीना आता है एंड वो गुस्से में आ जाता है, एंड शिनचैन मन में कहता है सपने देखो इसके बेटा, मैं और मेरे डैड इतना पिटेंगे ना कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। एंड गाइस यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों बताओ आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी, बहुत मजेदार स्टोरी मुझे तो ये लगी। अब आपके इस पर क्या थॉट्स है एंड आप लोगों को कैसे लगी, आप लोग मुझे अपने फीडबैक्स कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू स्टोरी में, एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी।